हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड। मेरा नाम है शिखर एंड वेलकम टू आवर डे टू ऑफ आवर बेल्जियम ट्रिप। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल शहर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गेंट। गेंट एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बेल्जियम के एक छोटा सा शहर है, बहुत ही सुंदर सा एक शहर जहाँ पर बहुत ही कल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेल्जियम के इतिहास में दोस्तों। और आज हम लोग का डे टू है इस जर्नी में और हम लोग आ चुके हैं इस सुंदर से शहर। तो दोस्तों, आपने अगर हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द लिंक, इट्स कमिंग हियर। और दोस्तों, हम लोग का लास्ट डे वन था बेल्जियम के अंदर। कल मैंने आपको दिखाया कि बेल्जियम के अंदर कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और क्या क्या घूमने की जगह हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आ चुके हैं डे टू ऑफ आवर जर्नी। तो अभी हम लोग हैं दोस्तों गेंट में, जैसा कि आप देख पाओगे। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया, गेंट एक स्मॉल टाउन है यार बेल्जियम का, जहाँ पर दो रिवर ली और शिल्ट रिवर आके जहाँ पे उनका संगम होता है। हिस्टोरिकली दोस्तों यार बहुत ही स्पेशल जगह है, छोटी सी जगह है, पॉपुलेशन बहुत कम है इस जगह की और बहुत ही सुंदर है। अभी तक तो यार हम लोगों को यहाँ पे आने में टोटल समय लगा अराउंड वन एंड हाफ आवर। हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक भी लिया था, उठते बैठते आराम से आए गाड़ी से। गाड़ी हम लोगों ने अभी रिसेंटली पास में पार्क कर दी है और अब एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे गेंट टाउन दो नदी के संगम पे है। तो अभी हम चलते चलते थोड़ा आगे की तरफ आए हैं एंड आई सॉ दिस रिवर। तो प्रॉब्ली दिस इज़ द रिवर लीली और दूसरी रिवर का नाम शिल्ट है। मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, हो सकता है नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये एक रिवर है और एक दूसरी रिवर है। तो जितनी भी मार्केट प्लेसेस है सब इसके ही अराउंड आपको मिलेंगी। इसी के साथ आप देख पाओगे, अगर इस तरफ आप जाते हो तो सारा का सारा मार्केट प्लेस है और आप शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, हम देख रहे हैं कि कुछ खाने के प्लेसेस देख रहे हैं, कोई मिलता है तो एक्सप्लोर करते हैं आसपास जगह को और कहीं खाने बैठते हैं सबसे पहले। सो गाइज, आफ्टर कमिंग हियर वी फाउंड दिस स्मॉल कैफ़े दैट यू कैन सी राइट बिहाइंड मी। तो अभी हम लोग इस जगह पे जाते हैं। यहाँ पे आउटडोर सिटिंग के लिए भी बनाया हुआ है स्पेस, तो काफ़ी सही जगह लग रही है बैठने के लिए। तो ट्राई करते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर यहाँ का कैरेट सूप और कुछ बेक्ड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं और मैंने कुछ रिव्यूज़ भी इनके गूगल पे देखे। तो चलो चल के ट्राई करते हैं और आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो लेट्स सी एंड मिलता हूँ आपको फिर व्लॉग में आगे और मिलते हैं खाने पे सीधे। तो गाइस, चलते चलते मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिटी सेंटर की तरफ और आप देख पाओगे मेरे पीछे की कितना सुंदर व्यू है इस छोटे से टाउन का। मेरे नीचे बह रही है लिली रिवर और इसके आसपास आप सराउंडिंग देख पाओगे कितना पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है। कल्चरली बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेरिटेज साइट है यार दोस्तों ये। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे बोट राइड्स होती हैं। आप इस रिवर के अंदर एक राइड ले सकते हो। आई गेस पर पर्सन 10 to 12 यूरो का टिकट होगा यहाँ पर, आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने पता नहीं किया, बट आप टिकट यहाँ से ले सकते हो एंड यू कैन गो। एंड साथ में आपको उसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हम लोगों ने अभी अभी कैरेट सूप और बेक वेजिटेबल्स ट्राई करी थी, बहुत ही टेस्टी था यहाँ का खाना यार। बेल्जियन फूड हम लोगों ने ट्राई किया आज पहली बार। आई होप आप लोग को भी देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज, अगर आप कभी भी ब्रसल्स या आप बेल्जियम घूम रहे हैं तो ब्रसल्स से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट या आप हार्डली 45 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच सकते हो। और अगर आप आते हो तो मेक श्योर करिए कि आप इस जगह ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। और कोशिश कीजिए शाम के समय आएँ ताकि आपको ज़्यादा धूप भी ना हो, जैसा अभी मुझे देखने को मिल रहा है। अपनी राइड्स एंजॉय करें। समर टाइम में तो यार दोस्तों अलग ही हरियाली है, अलग ही ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि विंटर्स में फिर भी कई बार थोड़ा डल हो जाता है मौसम, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सीज़न जिसमें मैं अभी आया हुआ हूँ, आपका मई से लेकर अगस्त तक प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है यार।
थोड़ा थोड़ा वेनिस वाली भी फील दे रहा है, ऐसे रिवर जा रही है, बोट्स जा रही हैं, और बट अपने आप में कहूँगा यार बिल्कुल सक्सेसफुल जगह है यार आना। सो गाइज, वी जस्ट हॉप्ड ऑन टू अ वॉफल शॉप एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस वॉफल शॉप। और यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारी वैरायटी है और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना मेन्यू बनाया हुआ है। सो दिस इज़ जस्ट नियर द सिटी सेंटर, अगर आप देख पाओ जहाँ से आप बोर्ड करते हो वहीं के पास ये वॉफल शॉप है और इसका नाम है हाउस ऑफ वॉफल्स। और ये मैंने गूगल मैप पे ढूंढा तो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी दिखा रहा था एंड इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल और काफ़ी तक वैरायटी के वॉफल्स हैं। तो दोस्तों, बेल्जियम अगर आप आए हो तो डेफिनेटली वॉफल ज़रूर ट्राई करो जो कि यहाँ का फूड है। और मैं कहूँगा यार, मैंने तो कभी ज़्यादा कभी लाइफ में इतना खाया नहीं था वॉफल, आज मैं एक तरीके से पहली बार ही अच्छे से ट्राई करूँगा और खा के बताता हूँ। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि अंदर हम लोग को क्या मंगाना है। और एक चीज़ मुझे खास एक और पता लगी, मेरे को लगता था कि यार वॉफल हमेशा स्वीट होते हैं और हमेशा स्वीट फ्लेवर में ही आते हैं, बट यहाँ आके मुझे पता लगा कि ये तो वेजिटेरियन भी होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे लोग एग और चिकन और सैलड भी डालकर इसको सर्व किया जाता है, तो काफ़ी अलग क्विजीन है। मैं डिसाइड करता हूँ, अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है, और अंदर जैसे ही आता है आपको दिखाता हूँ कि कैसा है और मिलता हूँ मैं आप लोगों को सीधे खाने के साथ। सो गाइज, फाइनली आर वॉफल्स आर हेयर। सो दिस इज़ मिलकाडो, दिस इज़ द क्लासिक एंड दिस इज़ द चॉकलेट मैडनेस। तो अब इसको ट्राई करते हैं और मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्ली क्यों रजत, इसको स्प्रेड करके खाया जाता है। हाँ ब्रो, इसको ऊपर ले अपना अच्छा से, उसके बाद फिर खाया जाता है। तो पहली बार खा रहा है ना? हाँ, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। बेस्ट ही खाया। सो गाइस, जो इसका ब्रेड है उसका क्रस्ट बहुत ही सॉफ्ट है, स्वीट है। उसके अलावा इन्होंने मुझे कस्टर्ड दिया इसके बोल में, और मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट सॉस है। तो ओवरऑल बहुत ही टेस्टी है। अभी बेल्जियम में आके तो इसको ट्राई करना बनता ही है दोस्तों, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, तो आप जरूर ट्राई करें। और बाकी शॉप का नाम मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग इन्जॉय करेंगे अपनी मील और मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ब्रिजेस, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो अभी हम लोग अपनी करेंगे जर्नी खाने के बाद कंटिन्यू, और मिलता हूँ मैं आप लोगों को ब्रिजेस में। सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच टू ब्रजेस, जो कि बेल्जियम का एक बहुत ही सुंदर शहर है। अगर आप मेरे आगे देख पाओ कितनी पुराना स्ट्रक्चर है, कितना पुराना चर्च यहाँ सामने बना हुआ है, और ओवरऑल अगर आप ये देखोगे शहर तो यार गाइज अमेजिंग यार, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है, क्योंकि ये कल्चरली और जो इसका हिस्टोरिक वैल्यू है और जितना शानदार सुंदर ये बनाया गया है, अगर आप देख पाओ मेरे पीछे इतना सुंदर है पूरा शहर, ऐसे की तो लग रहा है कि फेरी टेल की तरह है। सो गाइज, दैट इज़ द बेल टावर ऑफ ब्रिजेस। और आप यहाँ से एंटर करते हो आई गेस से मार्केट एरिया में, और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है यार दोस्तों। अभी हम लोग शाम में आए हुए हैं, यहाँ पे शाम के करीब 5 या 5:30 बज रहे हैं, और वेदर मैं ज़रूर कहूँगा बहुत ही अच्छा है आज। तो गाइज, आप देख ही पा रहे होंगे कितना मैसिव कंस्ट्रक्शन है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों यार 16th century में इसको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार। आप सोचो कि इतने पुराने टाइम में इसको बिल्ड किया गया और अभी तक ये वैसे ही फंक्शनिंग करता है। ये बेल टावर है यहाँ का, और आप आवाज़ भी सुन ही पा रहे होंगे, अभी इसकी बेल बज रही है। तो अपने आप में यार बहुत ही सुंदर शहर है। मैं कहूँगा कि
जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जितनी भी छोटे शहर हैं वहाँ आपको और सुंदर देखने को मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। और अब मैं चलते चलते आ गया हूँ सिटी स्क्वायर की तरफ, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको सारा मार्केट सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे मार्केट वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय एनी सोवेनियर्स यू कैन जस्ट लुक अराउंड, देयर इज़ लॉट ऑफ शॉप्स हियर, यू कैन गो एंड गेट समथिंग टू ईट एज वेल। सो दिस इज़ द सिटी स्क्वायर एंड लुक एट दिस गाइस, व्हाट एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। और स्पेशली शाम का समय जब सनसेट होने वाला है, और आप देख पाओगे वो मेरे पीछे लाइट कितनी मस्त लग रही है, इस समय अलग ही व्यू आ रहा है यार दोस्तों। सो गाइस यू कैन आल्सो हैव अ हॉर्स राइड हियर, जो कि आई डोंट नो, मेरे को इसका प्राइस नहीं पता क्या है, बट यू कैन टेक दैट एज वेल। यार मैं तो ये बेल टावर देख के ही अमेज्ड हूँ यार, कितना ऊंचा है यार, और जो इसका स्ट्रक्चर है वाकई यार मानना पड़ेगा, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे शाम के समय आपको टूरिस्ट बैठे हुए दिख जाएंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सामने वो देख पाओ वो है ग्रैंड पैलेस, और ये सारा स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया 15th century के अराउंड बनना शुरू हुआ था, और अपने आप में ये बहुत ही बड़ा, मतलब मैं कहूँगा मार्वल है कि उस समय ये किस तरीके से बनाया गया, इंजीनियरिंग मार्वल मैं कहूँगा। और आज के टाइम आप देखो इन्होंने कितना अच्छा प्रिजर्व करके रखा है अपने कल्चर को, जो इतने पुराने स्ट्रक्चर हैं उसके अराउंड टूरिज्म इस तरीके से बिल्ड किया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, अभी भी इन बिल्डिंग्स को वैसा का वैसा ही रखा गया है। इनका आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे, कोन शेप्ड आप बिल्डिंग देखोगे, जो कि यहाँ के लिए टिपिकल यहाँ का लुक है, बेल्जियन और जितनी भी आप ये कहोगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी और काफ़ी जगह पे ये ट्रेडिशनल इनके घर ऐसे हुआ करते थे। तो बहुत ही अच्छा है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप अगर ब्रिजेस आ रहे हो इस जगह को आप ज़रूर एक्सप्लोर करो, मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ दोस्तों। तो लिस्ट पे ये हो गई एक जगह हमारी कवर, अब बढ़ते हैं यार हम लोग यहाँ से कहीं और, देखते हैं और क्या क्या है ब्रिजेस में। वैसे तो यार ये छोटा ही शहर है, और अगर आप देखोगे तो मेरे आसपास जो है ये मेन सेंट्रल एरिया यही है यहाँ का, तो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट स्टिल देखते हैं और क्या क्या हम घूम सकते हैं आपको दिखाने के लिए, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे। सो गाइज दिस वॉज ब्रिजेस, आई होप आपने ये वीडियो इंजॉय करी हो। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, एक अगली जर्नी में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे फिर से, बाय बाय।